guitar studio, bass over there. कियास का इस तरह है कि कोई हाँ तीन साढ़े तीन चार साल पहले इसी तरह उमैर मेरे स्टूडियो में आया था. उमैर आया तो हमने काम शुरू कर दिया. उसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, उसको बुलाया और उसके बाद एक चीज़ से दूसरी चीज़ मतलब गाने बनना शुरू हुए. फिर यू नो एट द एंड हमने कुछ 13 गाने बना लिए. हर एक जो बैंड मेंबर है वो एक मतलब डिफरेंट म्यूजिकल जर्नी से के थ्रू होके आया है और वो वी ग्रू अप लिसनिंग टू डिफरेंट थिंग्स. इफ यू प्ले मोर बेस मोड्स एंड लेट मी हैंडल दिस. सर मत का आइडिया था कि आतिफ को इन्वॉल्व करते हैं इस टाइम के जब हम लोग चरखा को बजा रहे हैं कोक स्टूडियो में. तो हम सबको ये आइडिया बहुत अच्छा लगा. सर आतिफ के आने से एक नई रेंज एक ऐड होगी सॉन्ग के अंदर. दोनों बहुत डिफरेंट वोकलिस्ट हैं. दैट्स व्हाट कोक स्टूडियो डज बेस्ट कि दो बहुत मुख्तलिफ चीज़ों को पकड़ के साथ इकट्ठा कर देते हैं. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू गोना सी इन चरखा. सर जी आओ मैदान है. I think if you start ambiently, and there was a great riff that was coming in later, some on the guitar. Yeah. No, prior to that, a slower one. Slow bit. Yeah. Well, that's a really good. ये और ढोलक के साथ अगर आप enter करो, and build this up thing and then kind of like build it off of that. Yeah. Do you wanna just run through it once? Sure. हमने इसको थोड़ी ब्लूज फील दी है थोड़ा सा यू नो थोड़ा सा हमने एटमोसफेयर बनाया इस गाने को ट्राइड. चाहते थे कि एक लगी कि एपिक है ये बहुत सॉन्ग क्योंकि आतिफ इतना बड़े नाम है उनका और तो उनके साथ हम ऐसा काम करना चाहते थे कि जो कि हमें भी याद रहे और उनको भी याद रहे लोगों को भी याद रहे. तो इस वजह से हम चाहते थे कि उसके अंदर सब फ्लेवर्स हो एक इमोशनल जर्नी हो जिससे जो है एक लिसनर गुजरे. Exactly. The feel is all there. I mean, uski feel is there. I think it fits in. We'll make it sound exactly the way it is. I mean, if you're happy with it, we'll. No. Structurally, I think we've nailed it. We've gotten there.